दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज के टाइम पे काफी ज्यादा लोग एंट्री ले रहे हैं एंड जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी ज्यादा लोग इस मार्केट में एंट्री करेंगे। एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप स्टॉक्स को बाय स्टोर एंड सेल नहीं कर पाएंगे। एंड यहीं पे काफी ज्यादा लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि डीमेट अकाउंट सेलेक्ट करने में क्या है, कोई सभी कर लेंगे। बट बिलीव मी, अगर आपको बटरी सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी चाहिए तो आप ऐसे ही कोई भी डीमेट अकाउंट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर डीमेट अकाउंट के हिडन चार्जेस होते हैं। एंड जैसा कि आपको इस वीडियो के टॉपिक से पता चली गया होगा, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल डीमेट अकाउंट कौन सा रहने वाला है। तो वैसे तो इंडिया में काफी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर हैं जो डीमेट अकाउंट ऑफर करते हैं, पर इस वीडियो में हम सबको तो कंपेयर कर नहीं सकते, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर यानी कि एंजल वन, ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ब्रोकर्स के टाइप की। यहाँ पे अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जबकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। एंड अगर जाने इनके सर्विसेज की तो अपस्टॉक्स, ज़ेरोधा और एंजल वन तीनों ही करेंसी, फ्यूचर, इक्विटी, कमोडिटी सभी में सर्विसेज ऑफर करते हैं। और अगर बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तो तीनों में ही IPO, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड एंड ETF अवेलेबल हैं। एंड यूजर बेस के मामले में अपस्टॉक्स के पास 50 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, एंजल वन के पास 34 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, पर वहीं पे ज़ेरोधा के पास सबसे ज्यादा यानी 61 लाख से भी ज्यादा। एंड अगर एडवांस ऑप्शंस की बात करें तो एंजल वन में आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, रोवो, AMT, GTT फीचर्स मिलते हैं। एंड अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा में डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, CO, AMO ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस ज़ेरोधा में आपको GTT भी इंक्लूडेड ही मिलेगा। एंड अगर बात करें फ्री ट्रेडिंग कॉल्स की तो आपको ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स में ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, पर एंजल वन क्योंकि एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो आपको यहाँ पे फ्री में ट्रेडिंग कॉल्स देखने को मिलती है। एंड यही सेम केस है फ्री रिसर्च रिपोर्ट की, यानी कि एंजल वन में आपको फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगी, पर वहीं पे दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। एंड अब बात करते हैं मेन चीज यानी कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो एंजल वन में अभी के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्ज एक भी नहीं लग रहा है, एंड अपस्टॉक्स में भी अभी के लिए फ्री है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपस्टॉक का अकाउंट अपना खुलवाते हैं तो आपको मिलेगा एक फ्री डीमेट अकाउंट। एंड वहीं पे ज़ेरोधा पे आपको 200 का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ेगा। तो आप ये टेबल देख के खुद ही कंपेयर कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही रहेगा। तो ये थे वो सारे मेन पॉइंट्स, एंड इसके अलावा भी काफी ज्यादा पॉइंट्स अभी बाकी हैं डीमेट अकाउंट्स के बारे में, पर क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको उतना ज्यादा टेक्निकलिटीज में मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको इन्हीं ज्यादा चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एंड वन थिंग मोर, रही बात रैंक करने की, तो मैं इस वीडियो में इन तीनों में से किसी को नंबर वन, नंबर टू या नंबर थ्री के पोजीशन में नहीं रखूंगा, क्योंकि तीन के तीनों ही डीमेट अकाउंट अपने आप में यूनिक हैं। एंड ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप अपना फ्री अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।